नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फिर से सैमसंग गलेक्सी A50 के बारे में। दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी A50, जो कि सैमसंग का एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों इस फ़ोन में फिर से एक नया अपडेट हमें सैमसंग ने दे दिया है, तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को दोस्तों ये बोलना है कि इस फ़ोन में जो अपडेट आया है वो एंड्रॉयड 12 का है। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूँगा और आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो अपडेट दोस्तों हमें मिल रहा है, इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी एक अपडेट आया था कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले, जिसके अंदर काफ़ी लोग जो परेशान थे कि शायद उन्हें इस बार एंड्रॉयड 12 मिलने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखते हैं दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या मिलता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसी आस में बैठे हैं कि इसमें एंड्रॉयड 12 उन्हें मिल रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इस अपडेट के साइज़ की। तो दोस्तों ये देखिए नीचे, इसका साइज सिर्फ 142 MB का है और सिक्योरिटी पैच लेवल है दोस्तों 1 दिसंबर का। तो अब आप इससे ही पता लगा सकते हो कि ये जो अपडेट है ये सिर्फ सिक्योरिटी पैच लेवल के लिए दिया गया है सैमसंग ने। एंड्रॉयड 12 या फिर वन यू आई 4 फोन का 0 वाला कोई भी वर्जन इसमें नहीं आया अभी तक, और शायद ही दोस्तों इस फ़ोन में एंड्रॉयड 12 आएगा, क्योंकि ये फ़ोन 2019 में आया था और तब से सैमसंग इसे 2-3 अपडेट दे चुका है एंड्रॉयड वाले। तो अब शायद ही इसमें एंड्रॉयड 12 आएगा। मेरे पास काफ़ी लोगों का कॉल भी आया था कि इसमें A50 में एक नया अपडेट आ चुका है एंड्रॉयड 12 का, तो मैंने सोचा लाओ इस कन्फ्यूजन को वीडियो में क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, 142 MB का साइज है, तो जिसमें दोस्तों आपको सिक्योरिटी पैच लेवल इंक्रीज होकर मिलता है, और बाकी दोस्तों ये छोटे मोटे बक्स वगैरह होते हैं जो फ़ोन में आते ही रहते हैं, तो वो फिक्स होके मिलेंगे। और बाकी इस अपडेट में हमें नया कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप इसे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ दोस्तों, अगर आपके पास डाटा की कोई भी टेंशन नहीं है तो आप कोई भी अपडेट हो आप उसे तुरंत से कर लो, क्योंकि कंपनी कोई भी अपडेट देता है तो तभी देता है जब उसे लगता है कि उसके फ़ोन में कोई दिक्कत या कोई इशू आ रहा है। तो आप इस अपडेट को कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, और शायद दोस्तों इसमें कोई नया अपडेट आए तो उसके लिए भी दोस्तों पहले आपको पुराने अपडेट को अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पेंडिंग में छोड़ दो, आप नया अपडेट कर लो। आपके फ़ोन में अगर कोई अपडेट पड़ा हुआ है पेंडिंग में, तो आप नया वाला तभी कर सकते हो जब आपको पुराना वाला हो जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट पड़ा हुआ है तो आप उसे कर लो, जिससे आपके फ़ोनों के नए अपडेट आए तो आपको उसको आपको दोस्तों उस अपडेट का पता लग सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।